कनाडा गलती पर गलती पर गलती करते जा रहा है, ये बड़ा गलत अप्रोच ले रहा है ये भारत के प्रति, ये क्लियरली अपने को एंटागनिस्ट दिखा रहा है। आई एम अस्टाउंडेड, आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इट्स कंप्लीटली बिजार एंड अ पीस विद दिस कैनेडियन गवर्नमेंट। दिस कैनेडियन गवर्नमेंट कैनेडियंस के अमित शाह साहब जो है वो इन्वॉल्व हैं इस सारी, जो इंडिया ने ये कहा कि कनाडा के अंदर निजर को कत्ल किया जाए। अब ये जो चीज़ है, इंडियंस कहते हैं कि ये अब्सर्ड एंड बेसलेस रेफरेंसेस है। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के साथ पंगा, ट्रूडो को फर्क पड़ रहा है। ट्रूडो को जब तक आप बाल पकड़ के घसीटोगे नहीं नाली में, वो निकलेगा नहीं। एक तो वो लोग होते हैं ना जिनकी इज्जत पे बात आ जाती है, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें मेरे ऊपर फेथ नहीं है, जाओ मैं लात मारता हूँ उस कुर्सी को, ठुकराता हूँ मैं। ट्रूडो ऐसा नहीं है, ट्रूडो कहते हैं तो मुझे लात मार दो। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेकर वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर हाफ अ बिलियन डॉलर के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। एंड आई फुली एग्री विद व्हाट द एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन हैज सेड दैट दिस इज वायलेशन एंड इट कुड लीड टू फर्दर एक्शन By the Indian government against Canada. ये Canada, India चीजें normalization जो है ये Americans ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलो, मुझे ये भी लग रहा है कि चाइना से भी पंगे ले लिए, इसने रशिया से भी पंगे ले लिए, इसने इंडिया से भी पंगे ले लिए, क्योंकि इसको लगता है कि इसका बाप जो है अमेरिका हर समय इसको बेल आउट करेगा। जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन नहीं रोकना चाहता, ये रोक इसलिए रहा है क्योंकि आम जो कैनेडियन है जो गोरा है वो परेशान हो गया है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है कि आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पे बेतुका बयान दे रहे हैं। इस पे एमईए ने कहा कि जो सब कुछ कनाडा कर रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप लगातार कनाडा भारत पे लगा रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा और जितने हद तक जाना पड़ेगा उतने भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अब भारत खुद डाउनग्रेड करेगा और ऐसे एक्शन लेगा और ऐसे इसके परिणाम होंगे कि भारत और कनाडा के बीच में कोई संबंध नहीं रह जाएगा। क्योंकि टेररिस्टों को पनाह देना, खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देना, ये कनाडा आज से नहीं कई सदियों से कर रहा है, सदी मतलब कई दशकों से कर रहा है। लगभग मेरे ख्याल से जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ही कनाडा उन देशों में से है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एमईए की फर्म स्टेटमेंट है और ग्लोबल जो सिख लीडर्स हैं जो खालिस्तान के अलावा, वो भी कह रहे कि यार कनाडा बहुत ज़्यादा औकात के बाहर जा रहा है। ठीक है, भारत अब कनाडा के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और वैसे ही ट्रीट करेगा भारत कनाडा को जैसे अब तक पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और कनाडा में यही तो क्या ही अंतर रह गया, बस कनाडा हमारे बॉर्डर के पास नहीं है, नहीं तो वो भी टेररिज्म खालिस्तानी भेजता फिर। ठीक है, एमईए ने बहुत फर्म स्टेटमेंट दिया कि हर हद तक रिश्ते अब कनाडा के साथ डाउनग्रेड होंगे। ये खबर आई है कल के इंडिया ने, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कैनेडियन एनवॉय जो है उनको समन किया है बिकॉज कनाडा ये कहता है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ सामने आ रही है बकॉल कैनेडियंस के अमित शाह साहब जो है वो इन्वॉल्व हैं इस सारी, जो इंडिया ने ये कहा कि कनाडा के अंदर निजर को कत्ल किया जाए। अब ये जो चीज़ है, इंडियंस कहते हैं कि ये अब्सर्ड एंड बेसलेस रेफरेंसेस है और ये दे हैव नो, इसका कोई वो बनता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग गोइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया कनाडा। ये चीज़ें पहली बात है, ये कनाडा इंडिया चीज़ें नॉर्मलाइजेशन जो है ये अमेरिकन ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, मुझे ये भी लग रहा है कि लग नहीं रहा कि चीज़ें इंडिया और अमेरिकन की अभी सॉफ्ट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वेट करेगी फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द इंडियंस। काम भी करते रहो, मुश्किल में भी रखो। मिसाल के तौर पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया।
क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो ये ज़हन में रखें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट सेटल बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा। दैट इज़ वाई, क्योंकि इंडिया ने जो बार बार अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात की, आई थिंक अमेरिकन को ये बात हजम नहीं हुई, ठीक है। एंड देन अबव ऑल ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गए। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। अमेरिकन कह रहे हैं कि वो इंडिया का मौका भी ये है, जारी बात है कि अगर अमेरिकन थ्रू कनाडा हम पे टफ आ रहे हैं तो दे आर यूजिंग अ प्रॉक्सी इन अदर वे। ऑल्दो कि इंडिया कनाडा कहता है जी यू नो दिस इज नॉट ए दिस इंडियंस कांट से दिस अमेरिका इज यूजिंग कनाडा एज अ प्रॉक्सी, बट दे आर सेइंग दैट यू आर यूजिंग दिस कंट्री to be tough on us to give us a lesson. So we will be tough on this country, on Canada, because ye aapne hamare samne la khada ki hai, to we will not you know bow down or uske aage hum jhukenge nahi, rukenge nahi, matlab ye ek cheez hai, theek hai. Ab ye jo uski America Canada ki I think parliament ke andar jo wahan pe discussion hui, to wahan pe ek ne pucha, maine wo video dekhi, usme ek जो है मेंबर पार्लियामेंट से पूछा गया कि तुमने ये इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन पोस्ट को दी, एक ने कहा नहीं मैंने नहीं दी, दूसरे ने कहा हाँ जी मैंने दी। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ कम ये चीज़ दी जा सकती है, ठीक है। सो ये खबरें लीक करना, वॉशिंगटन पोस्ट से स्टोरियाँ करवाना, ये एक माहौल बनाया जा रहा है इंडिया के बारे में। याद रखें, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं इसको अगर मैं देखें, इट्स नॉट समथिंग पन्नू निजर, यू नो ना अमेरिका को निजर पन्नू का मसला होगा, ना इंडिया को, ना ही कैनेडियंस को। इट्स समथिंग अबाउट द बिगर पिक्चर वे दे वांट टू सी इंडिया। आई थिंक दे वांट टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ इंडिया। अमेरिका और कनाडा या इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं उसके बारे में हमें तो यही बताया जाता है कि उनकी पॉलिसीज होती हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की जैसे जो पॉलिसी होगी किसी भी कंट्री को लेकर वो ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडन हो। ऐसे ही कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे ट्रूडो हो या कोई भी दूसरा आ जाए, तो उसका नाम मुझे अजीब सा लगता है, डड्डू जैसा, तो वो सॉरी मगर ये कि उनका नाम मुझे वाकई अजीब लगता है। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेके या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेके वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि अगर जिस्म में कैंसर भी आ जाता है तो उसे निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर हाफ अ बिलियन डॉलर के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। टू एन एक्सटेंट मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूं, क्योंकि जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है पियर पॉलिवेयर, वो भी उन जलसों में बैठे हैं जहां पे के नाम के नारे लगा गए। अगर एक समझदार पॉलिटिशियन होगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि जी नहीं मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता, तो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होगा। पर अब ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए हमें हमारी कंट्री सुप्रीम है। एक बार हमने एक हवाई जहाज खोया, 327 प्लस दो लोग खोए, अब वो हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान फर्क है। अब हम ये नहीं कि जी आप गोरे हैं, आपकी रंग हरा, आंखों का रंग हरा है या आपके बाल भूरे, वो खत्म हो गया। अब आप देखो कि अब हम कहते हैं कि अगर आपने हमसे रिलेशन बनाना है तो वो इक्वल टर्म्स पे बनेगा। अब वो जमाना चला गया। अगर आप वैसे भी वर्ल्ड में देखेंगे कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या ट्रेड है, वो तो सारा हमारे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक जमाना था आरजूदी, जब हम छोटे होते हुए होटल में जाते थे तो अंग्रेज जब आता था तो सारे जो वेटर्स थे वो भी एक्साइटेड हो जाते थे कि ये अमीर है, ये हमें टिप देगा, क्योंकि अंग्रेज है, ये डॉलर में कमा रहा है, इसका डॉलर 12 रुपए का है, 15 रुपए का है। पिछले 20 साल में बदल गया है। अब इंडिया की अपनी इकोनॉमी, इंडिया की अपनी टूरिज्म, इंडिया की अपनी बाइंग पावर इतनी है कि मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि अब तो यहाँ अंग्रेज आके गरीब हो जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ आता है तो वो देखता है कि इतनी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इतनी स्पेंडिंग पावर है इस कंट्री में। मतलब आज भी अगर मैं न्यूयॉर्क जाता हूं तो न्यूयॉर्क में शॉपिंग और खाना पीना हिंदुस्तान से सस्ता है बनिस्बत इसकी कि मैं दिल्ली में कहीं जाऊं। तो अब इतनी बड़ी स्पेंडिंग पावर इंडिया के पास, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिडिल क्लास क्रिएट हुई है, मतलब
80-80 करोड़ के तो अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव के अंदर जो कि बाय इंटरव्यू मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो जमाना गोरों का चला गया, क्योंकि ये देखो दूसरा